अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है कि अपने डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर अंदर, कैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। दोस्तों यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन रिव्यूइंग यूर इन्फॉर्मेशन वी यूजली गेस यूर अकाउंट हैज़ नॉट बी सीन बाई द पीपल ऑन फेसबुक एंड यू कैन नॉट यूज़ इट, यानी यू डिसएग्री विद डिसीजन की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों ने रिकवरी अपील सेंड करनी है, कौन से आप लोगों ने हेल्पफुल लिंक यूज़ करने हैं, वो पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट चेक कराऊंगा जो कि यू डिसएग्री विद डिसीजन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये अकाउंट दोस्तों फ़ोन नंबर पे भी रजिस्टर्ड है और साथ में ईमेल भी इसके साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट फ़ोन नंबर पे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर जीमेल अकाउंट ऐड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले अकाउंट चेक कराऊँगा जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, लोडिंग स्टार्ट होगी, सिग्नल का थोड़ा सा इशू है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू डिसएग्री विद डिसीजन इन रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन वी यूजुअली जस्ट अ गेस, सही है, योर अकाउंट हैज़ नॉट बी सीन बाय अ पीपल, दिस अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड इन 30 डेज़। आप लोगों को 30 डेज़ दिए जाते हैं दोस्तों अकाउंट को रिकवर करने के लिए। तो कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है ब्राउज़र में, ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों आईडी को लॉग इन करके सिक्योरिटी चेक प्रीमेंट लॉग इन को आप लोगों ने जल्दी से सर्च कर देना है। जैसे मैं स्टेप समझा रहा हूँ उसी को फॉलो करना है दोस्तों, और अगर यहाँ पे ना हो दोस्तों तो आप लोगों ने ब्राउज़र चेंज करना है दोस्तों। सबसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है और प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों ने प्रॉब्लम बतानी होगी जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं। सर माई ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट इज़ डीएक्टिवेटेड बाय मिस्टेक, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ दोस्तों उसी तरह आप लोगों ने भी लिखना है दोस्तों। कोई स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। सर आई कैन नॉट रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ माय डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट, ये फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है दोस्तों, डिसेबल नहीं हुआ दोस्तों। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सर प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, उसके बाद आप लोगों ने स्क्रीन शॉट सेलेक्ट कर देना है यानी यू डिसएग्री विद डिसीजन का, उसके बाद सेंड का ऑप्शन नीचे आप लोगों को देख रहे हैं दोस्तों उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट्स वी कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी सही रिक्वेस्ट जो है ना सबमिट हो चुकी है फेसबुक की ऑफिशियल टीम को। अब दोबारा से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना होगा रिपोर्ट अ लॉग इन इशू, सही है दोस्तों। ये तो आप सब लोगों को पता ही है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करके आप लोगों के पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो कुछ आप लोगों ने लिखा है ना दोस्तों, वहाँ से आप लोगों ने कॉपी करके एक नोटपैड पे पेस्ट करके दोबारा से आप लोगों ने इसी लिंक में भी वही सेम टू सेम चीज़ पेस्ट कर देनी है। जैसे ये आप पेस्ट करेंगे दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करना है यू डिसएग्री विद डिसीजन का, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोगों को सेंड का ऑप्शन देख रहे हैं, उस सेंड के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों के सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुकी है फेसबुक की ऑफिशियल टीम को। अब एक और छोटा सा काम आप लोगों ने करना होगा दोस्तों जो कि मेन और बहुत ही ज़रूरी काम है दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों एक छोटी सी अपील सेंड करना ताकि आप लोगों की वेरिफिकेशन हो सके, फेसबुक टीम को ये कंफर्म हो जाए कि ये अकाउंट आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है, कोई और यूज़ नहीं कर पा रहा या आपने कोई अकाउंट हैक नहीं किया, ये आपका ही अकाउंट है। सब्जेक्ट में आप लोगों ने लिखना है डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट रिकवरी अपील, उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपील स्टार्ट कर देनी है। स्टार्टिंग में लिखना है दोस्तों हेलो फेसबुक टीम, कॉमा लगा देना है और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों ने हेलो फेसबुक टीम के नीचे लिखना है दोस्तों आई अप्रिशिएट यूअर फेसबुक टीम, मैं आपकी फेसबुक टीम को अप्रिशिएट करता हूँ यानी बहुत इज्जत करता हूँ। आई एम यूजिंग माई ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, जैसे अपील मैं लिख रही हूँ उसी के मुताबिक आप लोगों ने भी लिखनी है दोस्तों। कोई स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना, अदरवाइज आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो स्टेप्स मैं समझा रहा हूँ उसी को फॉलो कर। सर माई ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, माई फेसबुक अकाउंट विल बी परमानेंट
डीएक्टिवेटेड बाय मिस्टेक, सही है। और अपील मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ईमेल, फोन नंबर और फुल नेम आप लोगों ने एंटर करके आईडी कार्ड सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इस अपील को फॉरवर्ड कर देना है ऑफिशियल टीम को, सही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के सामने दोस्तों ये अपील फॉरवर्ड हो चुकी है। अब 24 to 48 आवर बाद आप लोगों को कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। इट लुक लाइक यूर अकाउंट वॉज सस्पेंडेड बाई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर एनीवेज, सही है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों ने दोस्तों अकाउंट को बहुत ही आसानी के साथ लॉगिन कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।